प्रदेश में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ व मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर संघों ने आज सरकार द्वारा जारी संगरोधक पीरियड को खत्म करने की अधिसूचना के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया। हमीरपुर में रेजिडेंट डॉक्टर संघ के डॉक्टरों ने सरकार की अधिसूचना पर कड़ा अफसोस जताते हुए इस निर्णय को गलत करार दिया। संघ ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी आज डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर मरीजों को चेक किया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का मानना है कि चिकित्सक स्टाफ, नर्सेज, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ 10 दिन तक बड़े वायरल लोड में काम कर रहे हैं और इसके बाद उनका आइसोलेशन पीरियड होना अनिवार्य है जैसे पहले था। संघ ने सरकार के द्वारा कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वालों के आइसोलेशन पीरियड को खत्म करने की अधिसूचना को गलत करा दिया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर नीरज ने कहा कि कोरोना महामारी में डॉक्टर पूरी एहतियात के साथ मरीजों का इलाज कर रहे हैं और हर समय संक्रमण का खतरा उन पर मंडराता रहता है। ऐसे में सरकार ने कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टरों के संगरोधक पीरियड को खत्म करने का फैसला गलत है और इससे उनके घर में जाने से उनके परिवार के सदस्यों पर संक्रमित होने का भय है। उन्होंने सरकार से अधिसूचना को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा प्रदेश, समूचा प्रदेश इस वक्त कोविड की सेकंड वेव से संघर्ष कर रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं, एडमिटेड भी हैं। तो जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो जी जान से रात दिन उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे पास इस वक्त 2-3 तरह के जो वार्ड हैं, एक DCHC आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और एक हमारे जो इंटेंसिव केयर चाहते हैं पेशेंट उनको RKGMC में एक वार्ड बनाया है। तो हर जगह पर हमारे डॉक्टर्स वो दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था थी ये 10 दिन का रोस्टर रहता है, तो इसमें 4 डॉक्टर्स की टीम होती है जो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट जो उसमें ड्यूटी लगी होती है वो ड्यूटी करते हैं। तो पहले व्यवस्था थी कि 10 दिन की ड्यूटी के बाद हमें 10 दिन का जो है क्वारंटाइन पीरियड मिलता था। तो आप सबको पता है कि इस ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को एक मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजरना पड़ता है। उसको दिन रात सेवाएं देनी पड़ती हैं, मरीजों की भी सुननी पड़ती है और कई बार सुविधाएं नहीं मिलती तो वो अपने तरीके से भी जो है वो मैनेज करने की कोशिश करता है। तो उसको कुछ और उसको सबसे बड़ी बात कि उसको इन्फेक्ट होने का जो खतरा हमेशा रहता है। वैसे तो हमारे डॉक्टर सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं, PPE किट डाल के ड्यूटी देते हैं, फिर भी कुछ परसेंट चांसेस रहते हैं कि उनको जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें 10 दिन का रेस्ट देते थे, क्वारंटीन पीरियड जिसे कहते हैं, और फिर टेस्ट करने के बाद हम अपने अपने घरों में जाते थे और दोबारा से फिर ड्यूटी पे 10 दिन के बाद आते थे। तो कुछ समय से जो एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें बताया गया कि आपका जो क्वारंटीन पीरियड है वो ख़त्म किया जाता है। तो हमारी हिमाचल सरकार से और अपने स्वास्थ्य विभाग से निवेदन है कि इस क्वारंटीन पीरियड को जो है वो वापस ले के आएँ ताकि हमारे डॉक्टर्स को 10 दिन, एक तो वो अपने पेरेंट्स को इन्फेक्ट ना कर पाए, उनके घर में बुजुर्ग रहते हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है, और उनको थोड़ा शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो जो दबाव रहता है उसमें भी थोड़ा सा उनको रेस्ट करने का मौका मिले। तो आज इसी संदर्भ में हमने ब्लैक बैजेस डाल के इसका हम विरोध जताते हैं कि हमें जो है क्वारंटाइन पीरियड जो है वो खत्म नहीं किया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हमीरपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर आशीष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ व मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर संघों ने प्रदेश सरकार से पत्राचार कर अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी, मगर सरकार से कोई भी जवाब न मिलने के चलते संघ ने आज काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इसे वापस नहीं लेती है तो संघ अपने आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होगा। मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हमीरपुर का वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष, आप सबके सम्मुख आज मेरा आने का ये कारण है कि जो सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन 11 मई को जारी की गई थी जिसमें डॉक्टर का क्वारंटीन पीरियड जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, जिससे हम काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम हमेशा बॉर्डर पे जैसे सिपाही तैयार होते हैं उसकी तरह हम हर मोमेंट पे फाइट करने के लिए तैयार हैं, ना कभी हम पीछे हटे थे ना पीछे हटेंगे। हमें जो दिक्कत आ रही है कि सरकार द्वारा हमें 2 डोजेज वैक्सीन की लगा दी गई, उससे हमारे डिसीज़ की सिवियरिटी कम हो सकती है। जहां हमारे को सिवियर डिसीज़ होना था
हो सकता है वो मॉडरेट हो या माइल्ड हो, पर उससे हमारी इन्फेक्टिविटी पे कोई कारण नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो 1-2% चांसेस हैं जो हम वैक्सीन लगा के और पीपी किट पहनने के बावजूद भी अगर इन्फेक्ट होकर घर में जाते हैं, तो घर पे जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनको इन्फेक्ट करने का डर हमें सताता रहता है। ड्यूटी करने से हम बिल्कुल कोताही नहीं बरतते, बिल्कुल हम आगे आने से बिल्कुल पेशेंट को बिल्कुल ढंग से देखते हैं। इसके विरोध में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की पहले ही सरकार को ज्ञापन सौंप चुकी है कि इस बारे में सरकार हमारी बातें सुने, हम अपने घर जा सकें, अब घर वालों को सुरक्षित कर सकें, हम कोई भी केयर प्रोवाइड करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन अब जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी है तो हम इसके विरोध में आज काले बैजेस लगा के, ब्लैक बैजेस लगा के इसका विरोध करते हैं। और इस दौरान सारी स्वास्थ्य सेवाएं वैसी ही चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए थी। अगर सरकार से हम ये सरकार से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, अदरवाइज़ ये जो हमारा विरोध है फर्दर इंटेंसीफाई होता रहेगा, जैसे जैसे डिफरेंट मेडिकल एसोसिएशंस की जो संघ है और हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के संघ जैसे जैसे आगे गाइडेंस देंगे, वैसे वैसे हम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।